अग्रवाल साहब, आपने आपकी पुस्तक समय आपकी मुट्ठी में कुछ टिप्स तो अवश्य बताई ही हैं जिससे समय बचाया जा सकता है। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिनसे वो समय बचा सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। आलोक जी, इसमें एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि वस्तुतः जो समय का प्रबंधन है, मैंने कोशिश ये की है कि ये स्वयं का प्रबंधन है, क्योंकि पहले होता यह है कि हम समय के प्रबंधन की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे तुरंत बाद कुछ ही समय के बाद समय हमारा प्रबंधन करने लगता है, समय की मांग के अनुसार हम सारे काम करने लगते हैं। और कुछ ही समय के बाद एक जो तीसरी स्थिति आती है वह यह है कि हम फिर समय का प्रबंधन करते करते समय के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि समय हमारे अनुसार चलने लगता है। सैद्धांतिक रूप से ये बात थोड़ी सी कठिन सी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा होता है और मुझे लगता है कि आदर्शतम स्थिति यही है कि ऐसा होना चाहिए। समय के प्रबंधन के लिए दो तीन बातें बहुत जरूरी मुझे मालूम लगती हैं। पहला तो यह है कि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का या जो भी हम करना चाहते हैं वो बहुत स्पष्ट हो और बहुत सुदृढ़ हो जी, क्योंकि जब आप अपना एक उद्देश्य निश्चित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप उस उद्देश्य में लगे रहेंगे और उसमें लगे रहेंगे तो वो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में आ जाएगा। और जैसे ही कोई चीज सर्वोच्च प्राथमिकता में आएगी तो स्वाभाविक है कि आप उसके लिए कहीं ना कहीं से समय लाएंगे। और आप देखिए कि हमारे यहाँ एक क्षत्रिय भाव रहा है। क्षत्रिय भाव का मतलब यह कि हम मृत्यु की के लिए, मतलब मैं ये कहूं कि उस आशंका से नहीं बल्कि मृत्यु की लालसा से युद्ध क्षेत्र में जाते हैं कि यदि हम मरे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये और ये जो उद्दाम लालसा है ये कर्म के प्रति हमारे लोगों की जो एक बहुत सुदृढ़ता है, जो वचनबद्धता है, उसको दिखाती है। तो मुझे लगता है कि जब उद्देश्य के प्रति हम में यही क्षत्रिय भाव आ जाए, वीर भाव से मेरा मतलब है, इसको जातिवाचक न माने आप, तो समय का प्रबंधन स्वयं होने लगेगा। मुझे ये भी लगता है कि समय का प्रबंधन मूलतः मन के प्रबंध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समय को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी आप अगर किसी को सौंप सकते हैं तो वह मन है। अब संकट यह है कि मन को नियंत्रित कैसे करेंगे। मुझे फिर से वही लगता है कि यदि हम उद्देश्य में लग जाएं, उसके लिए काम करने लगे, तो मन अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा क्योंकि वह कार्य से बंध जाएगा जी। तो पहली और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, बहुत सोचने के बाद और बहुत जीवनियां पढ़ने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद, मुझे लगा कि कर्म रत हो जाना समय प्रबंधन का शायद प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को और मित्रों को, शुभचिंतकों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें और उसको पूरा करने में लग जाएं। आप देख पाएंगे कि किस तरह से समय का प्रबंधन स्वयं होने लगेगा। अग्रवाल साहब, एक प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक टाइम मैनेजमेंट पर आपने पुस्तक लिखी है, स्वाभाविक तौर पर आप समय के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं। ऐसे में एक शासकीय विभाग में जहाँ पर ढील बोल, लेल ताली और समय की बर्बादी सर्वाधिक चरम पर दिखती है, वहां आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत सटीक प्रश्न है आपका ये आलोक जी। जब मेरी ये पुस्तक आई समय आपकी मुट्ठी में, बहुत से पाठक और मेरे अपने परिचित आए और मुझसे मिले और अपनी उन्होंने ये संकट और अपना दुख बताया कि हमारा तो पूरा समय ही दूसरे की मुट्ठी में होता है, ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं। शायद आपकी पुस्तक का ये शीर्षक ही गलत है। मैंने कहा कि चीज़ तो गलत नहीं होती है और सच मानिए तो चूँकि यह संकट है वही इस बात को सिद्ध करती है कि इस पुस्तक की जरूरत है। अगर ये संकट नहीं होता, जहाँ कोई बीमार नहीं है अस्पताल की जरूरत नहीं है, अंधकार नहीं है वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये संकट है और इसीलिए इस पुस्तक की जरूरत है। और जिस तरह से इस पुस्तक को लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उससे मैं अभिभूत भी हूँ, मेरा उत्साह बढ़ा है। मैंने जिस भी कार्यालय में काम किया जी, मैंने ये निश्चय किया कि मैं दूसरों के द्वारा प्रतिबंधित तो होऊंगा, अगर आपके बॉस हैं और कोई जब आपको बुलाते हैं आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उस कार्यालय की जो कार्य संस्कृति है मैं अपने आप को उसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा जी। मुझे समय से पहुंचना है बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुझे अपना काम अपने समय से करना है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको पूरी विनम्रता और ईमानदारी से ये बताना चाहूँगा
कि थोड़े से समय में, कुछ समय तक मुझे दिक्कत हुई, कुछ समय तक मेरे साथ काम करने वाले मेरे अधीनस्थ के लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो स्वयं इस कार्य संस्कृति में ढल गए और ये सारी दिक्कतें समाप्त हो गई। मुझे ये लगता है कि हम दूसरे ऐसा कर रहे हैं, इसको ढाल बनाकर कब तक चलते रहेंगे। मुझे ये महसूस होता है कि मैं अगर कार्यालय के समय को नष्ट कर रहा हूँ तो मूलतः मैं अपने आप को नष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्षमता, एक मेरे व्यक्तिगत उपलब्धियाँ भी मायने रखती हैं। मेरी जो क्षमता है, मुझे जो करना चाहिए, अगर मैं उसको करता हूँ तो अपनी क्षमता को बढ़ाता हूँ, और अगर मैं अपने काम को करता हूँ तो उससे मिलने वाले आनंद का उपभोग भी करता हूँ, तो मैं अपना समय नष्ट करके ये भी कर रहा हूँ। तो मैंने अपने समय के उपयोग के ऊपर किसी दूसरे को हावी नहीं होने दिया, और इसीलिए मुझे कभी इस तरह की कोई सौभाग्य से, संयोग से दिक्कत भी नहीं हुई। अग्रवाल साहब, आप ये बताएं, आपने भारतीय समाज का विभिन्न हिस्सों को आपने देखा है, नजदीक से देखा है, आपने राजनीतिज्ञ देखे हैं, आपने प्रशासन देखा है, आपने आम जनता देखी है, युवा वर्ग देखा है, आपको क्या लगता है किस वर्ग को टाइम मैनेजमेंट सिखाने की सबसे अधिक जरूरत है? देखिए, अगर आने वाले समय को सुधारना है तो सबसे पहले जरूरत बच्चों को है, कैरियर के सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंचना है तो युवाओं को है, देश को बहुत आगे विकास के रास्ते पर ले जाना है तो मैं समझता हूं कि जो नौकरशाह वर्ग है, या जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, जो भी काम कर रहे हैं, जिन पर दायित्व है, जो भी इस बड़े विकास के महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। और अगर समय मैनेजमेंट के बारे में एक आदर्शतम स्थिति स्थापित करना है, लोगों को फॉलोअर बनाना है जी, अनुकरण करना है, तो मैं समझता हूँ फिर राजनेताओं की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज इस तरह का रहा है कि वो अपने जो सर्वोत्तम होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और इस दृष्टि से इसमें तो कोई दो मत नहीं कि लोकतांत्रिक पद्धति में जो हमारे राजनेता हैं वो हमारे जनता का नेतृत्व ही नहीं करते बल्कि उनके आचरण को मार्गदर्शित भी करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी एक वर्ग को समय प्रबंधन के बारे में बताकर हम समाज में बहुत तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही होगी। इसीलिए इस पुस्तक में मैंने किसी वर्ग विशेष का ध्यान न रख करके एक सामान्य ही तरीके से अपनी बात कही है। जैसा कि एक मालवी में कहावत है जिसको हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं जी, तो ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? हाँ, ये भी बड़ा एक रोचक प्रश्न आपने किया। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है बिजी विदाउट वर्क। देखिए, ये जो कहावत है ये हमारी चेतना की एक बहुत गंभीर सोच को मैं समझता हूँ रेखांकित करती है। वो इस सोच को तो कम से कम रेखांकित करती ही है कि हम भले ही खाली हों लेकिन दूसरों को हम कभी ना बताएं कि हम खाली हैं। मतलब वो इस बात को महसूस करती है कि अपने को व्यस्त बताना समाज का सम्मान और आदर पाने के लिए जरूरी है। मतलब वो उसके अवचेतन मन में व्यस्त रहना एक बहुत बड़ा गुण है, ये बात इसको सिद्ध करती है इस तरह की कहावत। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि करने के लिए, अपने को व्यस्त बनाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म से आप बचना चाहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा कंट्राडिक्टरी कहावत है ये कि काम घड़ी का नहीं और समय घड़ी का नहीं। मतलब आपके पहले आप व्यस्त दिखाना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोक चेतना में मौजूद वह ताकत है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, जिसको समझ कर हम अगर उसको सक्रिय करें तो मुझे ये महसूस होता है कि हमारे देश की चाहे दूसरी समस्याएं हों, जिसमें जनसंख्या भी एक समस्या है, इस समस्या को हम शक्ति में बदल सकते हैं, और हमारे पास ये शक्ति है। जनसंख्या का अधिक होना हमारे लिए एक समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अगर है तो सवाल ये है कि हम उसको हल कैसे करें। और मुझे एक हल इसमें दिखाई देता है कि इस जनशक्ति को समय के उपयोग के साथ अगर हम जोड़ दें तो एक समाज में जबरदस्त आर्थिक क्रांति और एक बदलाव का दौर शुरू हो सकता है।